Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. So friends, आज के ट्यूटोरियल में हम मोचिंग गाइड के बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने एक काइट एनिमेशन किया है और वो जो मूव कर रहा है वो सारे विद हेल्प ऑफ मोशन गाइड. तो मोशन गाइड होता क्या है फ्रेंड्स? मोशन गाइड जो है वो एक गाइड है जिसके थ्रू कि हम अपनी ग्राफिक्स को एक डायरेक्शन देते हैं ताकि वो उस पाथ को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सके. सबसे पहले आप काइट एनिमेशन के लेयर्स को समझें. जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है एक बैकग्राउंड का लेयर किया हुआ है और दूसरा जो है वो हमारा एनिमेशन का है और उसी के साथ जो थर्ड लेयर है लेयर थ्री उसको मैंने कॉपी किया हुआ है ताकि वो और भी इंटरेस्टिंग बने और लास्ट जो है वो बॉर्डर है. तो फ्रेंड्स हम फुल HD की एक न्यू फाइल लेंगे 90:20:1080 की और इसके ऊपर जो है मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड का एक लेयर बनाऊंगा और जो मैंने बैकग्राउंड आपको यहाँ पे शो किया है उसी को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और जो न्यू लेयर है वहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा ताकि वो एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाए. और उसके बाद जो है हमारा जो बॉर्डर है बॉर्डर को भी मैं कंट्रोल सी करता हूँ और न्यू फाइल में जा करके एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा और इसकी जो नेमिंग है वो मैं करूँगा बॉर्डर. देन मैं इस दोनों लेयर को लॉक करता हूँ और बैकग्राउंड के बाद जो है मैं एक न्यू लेयर लूँगा, इसका नेम रखूँगा मैं एनिमेशन और इसी लेयर के ऊपर हम अपने सारे एनिमेशन करेंगे. बट एनिमेशन करने से पहले अपनी जो ग्राफिक्स है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला करके मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ और उसके बाद जो है जो हमारे टाइमलाइन है उसकी जो होल्डिंग फ्रेम है वो हम 140 फ्रेम तक करेंगे F5 प्रेस करके. और उसके बाद जो है सबसे जो पहला रूल है हमारा एनिमेशन करने का वो है सिंबल में कन्वर्ट करना. सिंबल में कन्वर्ट करने की बेसिक स्टेप्स क्या है, उस पर किस तरीके से वर्क करते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे सिंबल वाले ट्यूटोरियल्स को ज़रूर देखना. मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले सभी ग्राफिक्स को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे सिंपल F8 करेंगे और ये सिंबल आ रहा है तो मैं इस सिंबल का जो नेम है वो मैं देता हूँ एनिमेशन. और उसके बाद जब इस सिंबल को डबल क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो आ गए हैं और यहाँ पे जो सीन है सीन के पास यहाँ पे एनिमेशन शो हो रहा है. तो अब हम यहाँ पे एक और सिंबल करेंगे, फिर से वही प्रोसेस है हमारा, सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और देन चाहे तो आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल कर लो या फिर F8 प्रेस करके सिंबल कर लो. तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू सिंबल कर रहा हूँ राइट प्रेस करके और इसका जो नेम है वो मैं देता हूँ ग्राफिक्स के बाद जो है मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ. तो जब हम उसके अंदर भी जाते हैं तो आप देख सकते हो काइट के तीन पार्ट है, एक जो है वो प्रॉपर काइट हो गया, दूसरा वो उसके टेल और जो थर्ड है वो है थ्रेड. तो हम इन तीनों पार्ट को अलग अलग लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि हमें एनिमेशन में जो है इसको प्रॉपर तरीके से एनिमेट करना है. तो मैं क्या करता हूँ, पहले काइट के सब सारे पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ काइट वाले पोर्शन को और यहाँ पर मैं F8 प्रेस करके इसका नेम मैं देता हूँ काइट और देन प्रेस करता हूँ एंटर. तो हमारा जो एक सिंबल जो है वो काइट का बन गया और दूसरा जो है थ्रेड है तो इसको मैं F8 करके इसका मैं नेम देता हूँ थ्रेड और इसको मैं एंटर करता हूँ. तो थ्रेड नेम के भी हमारे सिंबल बन गए हैं और जो लास्ट है वो है टेल, तो आप उसको F8 करके इसका मैं नेम दे देता हूँ टेल और देन एंटर करता हूँ. तो आप देख सकते हो गाइस हमारे तीन सिंबल अलग अलग बन गए हैं और इन तीनों की जो सिंबल है उसके पीवट को हमें सेट करना है पहले. तो मैं जो काइट का जो सिंबल है इसका पीवट मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और टेल का जो पीवट है वो मैं सेट करता हूँ बिल्कुल काइट के बेस पे क्योंकि यहाँ से वो एनिमेट होगा. और जो थर्ड है थ्रेड का जो सिंबल है वो मैं सेट करता हूँ काइट के सेंटर. और उसके बाद गाइस हम काइट के सारे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और देन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर. और जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स करते हैं यहाँ पे जो है हमारे सारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से डिफरेंट लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और जो भी लेयर वन है हम इसको डिलीट करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे टेल नाम की लेयर ऊपर बनी हुई है, देन थ्रेड आ गया और हमारा काइट आ गया. तो फ्रेंड्स ऐसा हमने इसलिए किया है
क्योंकि जो है हमारे एनिमेशन के अलग अलग पार्ट पे अपने अकॉर्डिंग जो है हमने एनिमेट करना है। फ्रेंड्स, जब हमारा काइट स्काई में फ्लाई करेगा तो उसके जो टेल है वो मूव होंगे, तो उसके लिए जो हमें उसके अंदर मूवमेंट अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और जो अलग अलग टेल है उसको भी हम फिर से सिंबल में कन्वर्ट करेंगे और सिंबल में कन्वर्ट करके हम उसके अंदर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने फर्स्ट फ्रेम पे, थर्ड फ्रेम पे, फिफ्थ, सेवन, नाइन, इलेवन एंड लास्ट 13, तो मैंने इसलिए जो है अंदर अलग अलग फ्रेम के ऊपर अलग अलग शेप बनाए हैं ताकि प्रॉपर एनिमेशन हो सके। तो ये भी मैंने एक सिंबल के अंदर ही किया है, और जब हम सिंबल के बाहर जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे एक सिंपल वन लेयर है, तो हमारा जो एनिमेशन है वो सिंबल के अंदर प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो किस तरीके से टेल एनिमेट हो रहा है। वह जब हम सिंबल के बाहर आते हैं तो जिस तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट है 70 फ्रेम तक, तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूँगा और जब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारे टेल है वो किस तरीके से एनिमेट हो चुके हैं। और उसके बाद आप बाहर आ जाओ फिर से ग्राफिक्स वाले लेयर पे, तो यहाँ पे अगेन हमें 70 फ्रेम पे जा करके F5 प्रेस करना पड़ेगा बिकॉज हमने जो इसकी होल्डिंग फ्रेम है वो 70 फ्रेम तक रखी है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफिक्स के ऊपर आकर के तीनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, टेल, थ्रेड एंड काइट की, और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F5 ताकि जब हम इसको एनिमेट एंटर करें तो आप देख सकते हो जो हमारा टेल है वो प्रॉपर एनिमेट हो रहा है। और उसके बाद जो है हमारा सेकेंड पॉइंट है थ्रेड को एनिमेट करना। तो थ्रेड को एनिमेट करने के लिए हम फिर से वही रूल अपनाएंगे कि थ्रेड के सिंबल के अंदर जाना है डबल क्लिक करके, और सिंबल के अंदर आकर के इसका जो पिवट है वो हम सेट करेंगे काइट के बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि जब हमारा काइट एनिमेट होगा तो जो थ्रेड की जो मूवमेंट होगी तो वो काइट के सेंटर से होगी। एक्चुअली हमें यही चीज़ ध्यान रखना होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट एनिमेट हो रहा है तो वो किस पॉइंट पे जा कर के ज्वाइंट है। और अब 70 फ्रेम पे जा कर के F6 करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट क्लासिक के। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं किया है, जस्ट मैंने एक फ्रेम प्लेस करके ट्विन लगाया। उसके बाद फिर गाइस हम 35 फ्रेम पे जाकर के F6 करेंगे, देन 17 और यहाँ पे 51। एक्चुअली ऐसा करने का कोई रूल नहीं है गाइस, वो आपके एनिमेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने फ्रेम पर अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो। तो अब 70 फ्रेम पे जाकर के मैं थ्रेड को हल्का सा ऊपर की ओर मूव करूंगा, देन 35 फ्रेम पे और ऊपर ले जाऊंगा, फिर जो हमारा 17 नंबर फ्रेम के ऊपर जो एनिमेशन हुआ है थ्रेड का उसी को मैं अल्ट प्रेस करके यहाँ से ड्रैग करके 51 फ्रेम पे प्लेस कर दूंगा और उसके बाद वो फिर से नॉर्मल फ्रेम पे आ जाएगा। तो जब मैं इसको प्ले करता हूँ गाइस तो आप देख सकते हो कि मैंने थ्रेड की एनिमेशन किस तरीके से की है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो थ्रेड है वो एनिमेट हो चुका है। अब मैं फिर से ग्राफिक्स के ऊपर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है मैंने टेल और थ्रेड दोनों को एनिमेट कर लिया है। और उसके बाद जो है काइट, काइट के हमें कोई भी एनिमेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट एक सिंपल ऑब्जेक्ट मूव होगा। अब हम यहाँ पे एनिमेशन वाले सिंबल के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा सिंपल एक लेयर है, तो यहाँ पे हम इसका नेम देंगे ग्राफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक सिंपल वन फ्रेम है, बट हम अगर अंदर जाते हैं तो अंदर जो है हमारे प्रॉपर तरीके से सारे डिवीजन हो चुके हैं। तो आगे करने से पहले आप एक चीज़ को समझो कि हमने एक सिंपल ग्राफिक्स रखा और उसके अंदर जो है काइट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट सिंबल दे करके लेयर वाइज डिवाइड किया है, देन उसके सिंबल के अंदर जा करके मैंने यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई किया। सेम चीज़ मैंने थ्रेड के साथ भी किया और काइट के साथ भी, और उसके बाद हम ग्राफिक्स के बाहर आ गए। अब यहाँ पे मैं 140 फ्रेम तक ले जा करके करूँगा F5, बट हमने जो अंदर एनिमेशन की है वो सिर्फ 70 फ्रेम तक है। जब हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे जो है हमने एनिमेशन के लिए जो उसकी होल्डिंग फ्रेम रखी वो 140 रखी है। तो जब आप इसको यहाँ से प्ले करके देखोगे तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से लूप में एनिमेट हो रहा है। अब हम यहाँ पे मोशन गाइड लगाएंगे, तो मोशन गाइड लगाने के लिए हम सबसे पहले एक न्यू लेयर लेंगे
और उसके बाद यहाँ पे जो है हम इसका नेम देंगे पाथ, और यहाँ पे जो है हम अपने ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे उसको पाथ क्रिएट करेंगे। चाहे आप पेन टूल से क्रिएट कर लो, चाहे पेंसिल टूल से, या फिर ब्रश से, वो आपकी च्वाइस। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल पाथ क्रिएट किया है कि जो काइट है वो इस डायरेक्शन से एंटर हो और ऐसे मूव करके यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद लास्ट फ्रेम पे जा करके यहाँ पे करेंगे F6। और उसके बाद जो है हम काइट के पहले पिवट को सेट करेंगे जो कि यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं काइट के बिल्कुल। देन लास्ट फ्रेम पे जा करके हम यहाँ पे करेंगे F6, और उसके बाद जो है जो हमारी पाथ वाली लेयर है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करके यहाँ पे लगाएंगे गाइड। जब आप गाइड क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो एक हथौड़े का साइन आ जाता है, मीन्स उसके ऊपर जो है वो गाइड लग गया है। और देन आपको क्या करना है, ग्राफिक्स वाले लेयर को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर क्लिक करके लिटिल बिट उसको ड्रैग करोगे। जब उसको ड्रैग करोगे पाथ वाले लेयर के साथ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैक साइन आ रहा है, जिससे क्या हुआ वो उस लेयर के साथ अटैच हो गया है। और जैसे ये अटैच होगा यहाँ पे देख सकते हो ये एक डॉटेड गाइड का साइन आ जाता है। तो इट मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मोशन गाइड अप्लाई हो चुका है। अब हम फर्स्ट फ्रेम पे अपने ऑब्जेक्ट को जहाँ भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, और लास्ट फ्रेम पे मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट क्लासिक। जब हम क्रिएट क्लासिक ट्यून करते हैं तो जब इसको प्ले करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन गाइड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमने उसको पाथ दिया था वो उस तरीके से मूव होकर के ऊपर की ओर जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज साइज रेशियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट परस्पेक्टिव में शो हो कि पहले दूर से वो काइट जो है वो आगे की ओर आ रहा है, तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे इसकी साइज को छोटा कर दूंगा। और जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखो खुद ब खुद आगे चल के बड़ा हो रहा है। और उसके बाद जो है मैं सीन के बाहर जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है हमारा एनिमेशन प्रॉपर तरीके से हो चुका है। वन मोर थिंग्स जो कि हमें नोट करना है मोशन गाइड के टाइम पे, वो ये है कि जब भी हम सेंटर पे क्लिक करते हैं दो फ्रेम के बीच पे, और जब यहाँ पे हम कंट्रोल F3 करके प्रॉपर्टी बार ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें अलग अलग ऑप्शन शो हो रहा है, लाइक स्केल, स्नैप, सीन्स एंड ओरिएंट टू पाथ। अब यहाँ पे जब हमने एनिमेशन अप्लाई किया हुआ, तो जो हमारा जो पतंग है वो मोशन गाइड के पाथ को तो फॉलो कर रहा है, बट वो ओरिएंट टू पाथ नहीं है। ओरिएंट टू पाथ का मतलब ये होता है गाइस कि जो काइट है वो उसी डायरेक्शन में साथ साथ रोटेट भी होंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ओरिएंट टू पाथ करूँ, तब मैं यहाँ पे अगर एनिमेशन अप्लाई करूँ तो ये देख सकते हो वो उसी तरीके से प्रॉपर रोटेट हो, ठीक है, तो वो स्टिक हो जाता है उसी पाथ के साथ। बट हमें यहाँ पे अभी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ओरिएंट टू पाथ यहाँ पे हटा रहा हूँ। बस मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रहा था कि आपको एक चीज़ समझ आ जाए कि ओरिएंट टू पाथ होता क्यों है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। और लास्ट में गाइज हम यहाँ पे बैकग्राउंड वाले लेयर को ओपन करते हैं। आप कोई बैकग्राउंड प्लेस कर सकते हो, देन बॉर्डर जो है वो आप लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर हम एनिमेशन के बाहर आते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा सिर्फ वन लेयर है, बट अगर हम उस लेयर के ऊपर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो अंदर हमने ग्राफिक्स की प्रॉपर एनिमेशन की है, और जब उसके अंदर भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे लेयर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हैं। सो गाइज, हमने जो है एक एनिमेशन वाली सिंबल इसलिए बनाई थी ताकि अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो मैं इसी काइट को कॉपी करके यहाँ पे साइज छोटा बड़ा करके एक अलग चीज़ को मैं फिर से अप्लाई करके यूज़ कर सकता हूँ, और हमारा जो एनिमेशन है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। चाहे तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँ, आप चाहे तो जैसे मर्जी इसको हैंडल कर सकते हो, वो आपके एनिमेशन के ऊपर है। और सिंबल में गाइज आपके एनिमेशन को कॉपी करके सेफ रखना आसान हो जाता है। सो गाइज, लास्ट में यहाँ पे ईज आउट लगा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा जो काइट है वो ऊपर जाकर के इजी तरीके से सेटल होगा। तो ईज आउट लगाने के लिए हम लेयर के सेंटर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल F3 करके प्रॉपर्टी बार ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैं 50 डिजिट का ईज आउट अप्लाई कर रहा हूँ। जब आप इसको प्ले करते हो गाइज, तो आप देख सकते हो कि जो काइट है वो लास्ट में किस तरीके से बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, और आप बैकग्राउंड और बॉर्डर की लेयर्स को ओपन कर सकते हो। सो गाइज, यही तरीका है अपने ऑब्जेक्ट को एक पाथ दे करके एनिमेट करना एडोब फ्लैश में।
सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू सिंबल ग्राफिक्स इज इन इज आउट एंड मोशन गाइड सो प्लीज़ आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।